सो गाइस ये देखो रोड रोलर कितना, ये पुराना वाला रोड रोलर है, ये काफी बड़ा होता है। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस ये देखो अभी बज रहा है 5:30, और जैसा कि मैंने कहा था जो वर्कर बोले थे 5:30 बजे काम करेंगे, तो मुझे लगा ठीक है चलो 5:30 बोले हैं तो 6:30 बजे तक आएंगे, क्योंकि इतना सुबह सुबह कौन आता है। और गाइस वो 5 बजे से आके काम स्टार्ट कर दिए है, ये जो आवाज़ सुन रहे हो तुम ये वाला, ये उसी का काम करने का ही है। और अंधेरा है थोड़ा तो लाइट लगेगा, और वो ही मैं ढूंढ रहा हूँ कि होल्डर और लाइट कहाँ से लाऊं मैं। So guys, यही वाला वो हिस्सा है जहाँ से हमारा पाइप फट चुका है, ये वाला एग्जैक्ट। So यही है guys वो पाइप जो टूट चुका था और टूट के पानी लीक हो रहा था। So guys यही जो छोटा हिस्सा था इसके टूटने की वजह से इतना सारा प्रॉब्लम हुआ। सो गाइज अब ये वाला हिस्सा भी तोड़ा जा रहा है, उसका रीज़न है हम लोग के घर के अंदर वहाँ पे दो दो घर है, एक हम लोग का और एक अंदर वाला। तो हमें जो यहाँ पे पाइप मिला है ये वाला चेंज करना है, पर अंदर जो पाइप मिला है यानी इसका वाइब्रेशन जब इसमें ठोका जा रहा है तो उसका वाइब्रेशन उसमें नहीं जा रहा, तो जिसकी वजह से वहाँ पर अंदर में ठोका जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर अब बीच का हिस्सा पूरा तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि एक बनाने के चक्कर में एक और ख़राब नहीं करना है इसीलिए। सो गाइस अब ये कंफर्म हो चुका है ये वाला पाइपलाइन हमारा है, यानी जो अंदर मिला है वही वाला है हम लोगों का। एक तो गाइस वो वाला जो है वो खुल चुका है लगभग, लेकिन इस ये जो सप्लाई है ये वो जो ढका हुआ जो फटा हुआ ये वाला है, ये कहाँ से आ रहा अभी तक नहीं मिला है। सो गाइज ये वाला नया पाइप जो हम लोग कल लेकर आए और ये वाला पुराना पाइप, और एक्चुअली देखा जाए मैंने जो देखा नया वाला पाइप जो हमने लाया वो छोटा है और पुराना वाला पाइप उससे ज़्यादा लंबा है। ओ ये जुड़ा हुआ है ना, हमको लगा लंबा है। अच्छा अच्छा ये वाला हिस्सा जोड़ा हुआ है, हाँ ये यहाँ से जोड़ा हुआ है। अच्छा इन अंकल ने बताया यहाँ से जोड़ा हुआ है। सो गाइस अभी फिलहाल निकले हैं जो जो सामान कमी पड़ा है वो लेने के लिए, और वापस से वही रास्ता वो बाजार की तरफ। सो गाइस एक पाइप लेने के लिए हम लोग कहाँ से कहाँ आ चुके हैं, ये देखो जस्ट वो बाजार से सीधा सेंट्रल के तरफ आ चुके हैं, और अभी तक हमें पाइप नहीं मिली। इतना सुबह मिलेगा भी नहीं, पर पता नहीं देखते क्या होता है। सो गाइस जो जो सामान लगेगा वो हम लोग ने ले लिया है, और ये हम लोगों ने जस्ट वर्कर के घर से ही लिया है, कोई दुकान खुला नहीं था इसीलिए, तो इन लोगों के पास ही सामान अवेलेबल था तो इन लोगों के घर से हम लोग जस्ट लिया है। सो गाइस आज वापस से हमें ये लेके जाना पड़ रहा है, ये पुराना वाला है, तो इसे बेच के देख रहे हैं कितना बैलेंस रिटर्न मिलता है। सो गाइस जैसा कि आज वाटर सप्लाई लाइन रिपेयर हो चुका है, मैं थोड़ा सोया था और अभी जैसे कि साउंड सुना तो देखा रोड रिपेयर करने वाले आ गए हैं गिट्टी लेकर, और अब ऐसे ही रोड रिपेयर हो जाएगा इधर का, ये वाला जो टूटा हुआ है, तो चलो अच्छा है सारा काम एक संग हो जाए। अंदर वाला अभी भी रिपेयर हुआ नहीं है, वो थोड़े टाइम बाद होगा, अभी इतना जल्दी करके कोई फायदा नहीं है, पर ये वाला रिपेयर हो जाएगा आज। सो गाइस ये देखो रोड रोलर कितना, ये पुराना वाला रोड रोलर है, ये काफ़ी बड़ा होता है, एक छोटा वाला भी होता है पर ये बड़ा वाला है।
सो गाइज अभी बजने वाले रात के 12:15 और सुबह को जब मैं आया तब मैं बहुत ज़्यादा थक गया था तो मैं सो गया। और उसके बाद शाम के टाइम जब मैं छत में गया तो फ़ोन में चार्ज नहीं थे, इसलिए मैंने फ़ोन को घर में ही रख दिया चार्ज करने के लिए। और रात के टाइम बाज़ार लेने गया, कुछ ज़्यादा सामान नहीं, थोड़ा बहुत सामान लिया। तो बाज़ार वाला सीन तो मैंने तुम्हें दिखाया है, उतने अंधेरे में अच्छे से शॉट आता नहीं है, इसीलिए मैंने उसको उतना इंक्लूड नहीं किया। मतलब फ़ोन ले जाना एक्चुअली भूल गया, इसीलिए मैं ये बहाने दे रहा हूँ वो भूल जाना। और उसके बाद मैंने अभी डिनर कर लिया है और अब जा रहा हूँ मैं इस वीडियो को एडिट करने। तो आज के ब्लॉग के लिए गाइज इतना ही, और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि और क्या करना चाहिए और इंटरेक्ट करना चाहिए कैसे। तो मिलता हूँ तुम्हें एक अगले दिन एक अगले ब्लॉग के साथ, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।